हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि कल के व्लॉग में मैंने आप लोगों को दिखाया था कि मेरे भाई आए थे और हम सब लोग बच्चों के साथ पार्क घूमने गए थे कि थोड़ा सा बच्चे एंजॉय कर लें। फिर रात में जब वो वापस आने लगे तो उन्होंने मुझसे बोला कि तुम भी चलो 2-3 दिन के लिए रह लेना, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्योंकि मैं बहुत दिनों से रुकने के पर्पज़ से नहीं आई थी। आई तो हूँ, ईद में भी आई थी, उसके पहले भी एक बार रमज़ान में आई थी, लेकिन रुकी नहीं थी, आई और चली गई। तो मैंने भी सोचा कि चलो चलते हैं, बहुत दिन से घर में रहकर थोड़ा सा बोरियस सी हो रही थी। तो फिर मैं आ गई और अभी सुबह से सब लोगों ने नाश्ता खाना पानी किया और मैं लेटी हुई थी। तो अभी सोचा कि शाम हो रही है तो कहीं चला जाए, अपने जो पुराने लोग हैं या तो उनसे मुलाकात कर लूँ या कहीं और चली जाऊँ। बाल तक मैंने नहीं झाड़े और वो देखिए शायान जो हैं बुक्स ले आए थे, बुक रखी हुई है हुरैन की, तो ये थोड़ा सा पढ़ाई कर रहे थे। हुरैन अभी सो रही हैं, तो अभी देखते हैं कहाँ चलते हैं, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब, जिंदगी लेके आई है बीते दिनों की किताब। घेरे हैं अब हमें यादें मेरी साथ, बिन पूछे मिले मुझे कितने सारे जवाब। चाहा था क्या पाया है क्या हमने, देखिए दिल में मगर जलते रहे चाहत के दिए तेरे लिए तेरे लिए। ये सॉन्ग मेरा फेवरेट सॉन्ग है, आज सुबह से मैं कितनी बार सुन चुकी हूँ लेटे लेटे, जैसे कि दिल को छूता है इसकी एक एक लाइन। और मैं फिर उठी, मैंने सोचा चलो मैं रेडी हो जाती हूँ, कहीं बाहर चलते हैं, बच्चों को ले चलते हैं। तो वही मैं रेडी होने के लिए आ गई थी, साथ ही साथ ये गाना भी मैं गुनगुना रही थी। अब मैं जाऊँगी रेडी होकर, फिर अपनी भाभी से पूछती हूँ कि मैं कहाँ चलना है हम दोनों को। और वैसे भी जब मायके आओ तो बहुत सी यादें ताज़ा हो जाती हैं। मायका तो नहीं, भाई का घर है, क्योंकि मायका तो माँ बाप से होता है और माँ बाप है नहीं, तो बस ये भाई का ही घर है जो मायके की यादों को ताज़ा करता है। हाँ, तो अब हम लोग की प्लानिंग हुई है कि हम लोग मखदूम शाह बाबा की दरगाह जाएंगे, तो हम लोग रेडी हैं और अभी बस 2 मिनट में घर से निकल रहे हैं। बाकी का वीडियो आप लोगों के साथ आगे शेयर करेंगे। हो रहे हैं, चलो हम लोग चल रहे हैं मखदूम शाह बाबा की दरगाह। हो रहे हैं, हो रहे हैं, शायान जल्दी जल्दी चलो मामू के पास। चलो अब हम लोग चलते हैं मखदूम शाह बाबा की दरगाह जो कि जाजमऊ में है। चलिए फिर जल्दी से कार पे बैठ जाते हैं। हो रहे हैं, हो रहे हैं, हेलो कर लो, हेलो शायु, हेलो कर लो शायु, हेलो करो, हेलो 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 बोलो, अपनी धुन में मगन रहते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं दरगाह, ये सीढ़ियां हैं यहाँ पर, यहाँ उधर उतार देंगे दुकान के पास। हाँ यहाँ से ले लेते हैं फूल वगैरह, पानी पीना है, ये इनकी दुकान है सब। हाँ धागा का है, धागा दे दो, धागा भी दे दो, इनको मन्नत ही मांगनी है। लो भैया जल्दी से धागा दो। शायू
ये मस्जिद है यहाँ पर, और ये सामने है दरगाह मखदूम शाह बाबा। बहुत फेमस दरगाह है ये, बहुत से लोग यहाँ पर आते हैं बहुत दूर दूर से। चलो लेके चलो अंदर। शायान बेटा इधर आइए। हाँ तुम तो बहुत लो हमें दो, तुम पकड़ो वीडियो। ओ, 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 बच्चा गिरा जा रहा है, पकड़ो पीछे से उंगली नहीं, ऐसे पकड़ो ऐसे ना। हाँ उंगली नहीं है, बैक नहीं है, नहीं पा रही हो, ऐसे पकड़ो ऐसे। हाँ ये बेटा इधर आ। वो बच्चे कहाँ हैं? चाहिए इधर आइए। इन्होंने मन्नत मानी है तो उसके लिए ये धागा बांध रही है। फिर लड़ाई लड़ रही हो शायू से। शायू यहाँ देखिए अंदर बाबा हैं, कहते अस्सलाम वालेकुम। ये जल्दी जल्दी इधर आइए, जल्दी ये ले लीजिए भाई। हाँ चलो यहाँ पे जला लेते हैं, वो जगह है ना वहाँ पर अगरबत्तियाँ जलाई जाती हैं। आओ तो इधर से, चप्पलें तो बाहर हैं। बहुत बड़ी दरगाह है ये। ये नीम का पेड़ लगा है इसमें छाई के लिए। वहाँ पर वजू खाना बना हुआ है, कुछ लोग बैठे हैं आराम कर रहे हैं। हम लोग ने ज़्यारत कर ली है, अब हम जो उसने डलिया दी थी वो ले लेते हैं और फिर निकल लेते हैं घर के लिए। शायान आइए। शायू सलाम किया था आपने? चलो ज़ियारत तो कर ली, अब कहाँ चले हम लोग? थोड़ा पानी पूरी वूरी खा लेते हैं, बच्चों को खिला देंगे। चायू चायू का दिल नहीं कर रहा है, चलो हम लोग चलते हैं थोड़ा पानी पूरी लेते हैं। क्या क्या नाम है? इधर तो शर्मा रही हूँ, क्या नाम है? अलशिफा। कब ये दुकान तुम्हारी कब से लगी हुई यहाँ पर? अब पापा नहीं है तो तुम लोग बहन ही हो दोनों, और मम्मी घर में रहती हैं। घर कहाँ पर है? चलो अच्छा हुआ हमने तुमसे ही खरीदा सामान, है ना? पहले तो हम उधर आगे जा रहे थे लेकिन हमें पता नहीं था, अब जब कभी भी नेक्स्ट टाइम आएंगे तो तुम ही से ही लेंगे। ठीक बाय बोलो। बाय व्यूअर्स। अलिशा नाम है ना? अलशिफा। अलशिफा नाम है इनका। इनके लिए आप लोग दुआ करिएगा, अल्लाह ताला इनका बेहतर फ्यूचर करें। चलिए फिर हम लोग चलते हैं। ये हम लोग आ गए हैं बताशे खाने, लो गोलगप्पे। विशाल मेगा भूल गए थे, विशाल के बाहर इनका ठेला। क्या नाम है आपके ठेले का? यह लक्ष्मी कोल्ड पानी पूरी। ये 10 के देते हैं 5 है, जब हम लोग टेस्ट करते हैं। अच्छा पानी देना और प्याज भी डाल देना, और हम लोग जल्दी से खाना। इधर आओ, उनका मुंह खुल गया। आइसक्रीम कर रही है चाहिए। कब से लगा रहे भैया यहाँ पे ठेला? अच्छा अभी ना लगाए, मोतिया ना लगाए। कौन कौन सा फ्लेवर है? वो अच्छा है, वही देना मुझे। लहसुन वाला अच्छा लग रहा है। पानी पूरियां हम लोग ने खा ली है, हम लोग अपने घर के लिए निकल रहे हैं। इन्होंने मेरी वीडियोग्राफी बहुत बेकार की है,
और इतना बुरा इन्होंने वीडियो बनाया था कि कुछ भी कैप्चर नहीं कर पाएंगे, बस यही एक दिक्कत होती है, कोई वीडियोग्राफी नहीं करता। अब हम लोग चलो हैं घर। मटक चलूंगी बाबन बच्चा बामन पैर मटक चलूंगी। तो अब हम लोग अपने ब्लॉग का एंड कर रहे हैं। मखदूम शाह बाबा की मज़ार आज हम लोग गए थे, बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर भी आते हैं जब इनका उर्स होता है, काफ़ी भीड़ होती है। तो आज हम भी बहुत सालों के बाद गए, सोचा कि चलो ज़ियारत शायान को करवा देते हैं, तो हो गई अल्हम्दुलिल्लाह ज़ियारत। अब हम लोग घर जा रहे हैं, तो ब्लॉग अपना आज का यहीं ख़त्म कर रहे हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। बुरहान अल्लाह हाफिज़ बोल दो बेटा। अल्लाह हाफिज़। चाहिए अल्लाह हाफिज़ बोल दीजिए। अल्लाह हाफिज़। वो आइसक्रीम खाने में ही लगे हुए। अल्लाह हाफिज़।